हरदोई के मियापुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें एक बोलेरो कार सहित झोपड़ी में पड़ा अन्य सामान जल गया है। आपको बता दें कि रामप्रकाश की बोलेरो गाड़ी भी झोपड़ी में ही खड़ी थी। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बोलेरो गाड़ी सहित लाखों रुपए का सामान जल चुका था। वही सूचना मिलते ही बेहटा गोकुल थाना SI सूरजपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आपका क्या नाम है? नरेंद्र। गांव? मियापुर। ये घटना कैसे हुई है? ये घटना सर मेरे को तो पता नहीं, मैं यहाँ थे नहीं मौके पे। अच्छा, तो उसमें नुकसान तो बहुत हो गया, गाड़ी जली है, इंजन जला है, मशीन जली है, 4 पिल्ले जले हैं कुत्तिया के, 3 लीचर मेरे जल गए गाय के, और गाड़ी बोलेरो जल गई है। अच्छा, आपको कैसे पता चला जब आग? सर मेरे को तो फोन किया गया था, मैं तो घर पे थे नहीं, बाहर। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।